हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज का हमारा इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है कोरोना डिस्चार्ज। तो इस टॉपिक में हम कोरोना डिस्चार्ज के बारे में समझेंगे एंड कोरोना डिस्चार्ज क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए हम इससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर जाएंगे और उसके बाद उस समझने के बाद उसको कोरोना डिस्चार्ज को डिफाइन करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो कोई मेटालिक स्फीयर्स कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे कोई दो मेटालिक स्फीयर्स हैं और एक का जो रेडियस है हम सपोज कर लेते हैं R1 है और दूसरे मेटालिक स्फीयर का जो रेडियस है वो R2 है। सो आपको क्लियरली यहाँ पर विजिबल है कि जो रेडियस R1 है वो R2 से बड़ा है। और हम क्या करते हैं, इन दोनों कंडक्टर्स को, ये मेटालिक स्फीयर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, इनको एक वायर से कनेक्ट कर लेते हैं। दोनों स्फीयर्स को कनेक्ट कर लेते हैं वायर की हेल्प से एंड देन हम इन दोनों को चार्ज सप्लाई करते हैं। लेट अस सपोज हमने इनको क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया। तो जैसे ही हम इनको क्यू चार्ज सप्लाई करेंगे तो दोनों के सरफेसेस पे कुछ चार्ज अपीयर करेगा। सो लेट अस सपोज कि क्यू चार्ज में से उस क्यू का जो Q1 अमाउंट है वो इसे चला जाता है, क्यू में से Q1 अमाउंट इसे चला जाता है और कुछ अमाउंट जो Q2 है वो इसे चला जाता है। लेट अस सपोज कि हमने चार्ज जो दिया है, इसे सप्लाई किया है, वो हमने क्यू दिया है, लेकिन उस क्यू में से कुछ हिस्सा जो है R1 वाले स्फीयर को चला जाता है एंड दूसरा कुछ हिस्सा मान रहे हैं Q2 जो है दूसरे स्फीयर को चला जाता है। सो हम यहाँ पर एक बात देख रहे हैं कि हमने इन दोनों कंडक्टर्स को, इन मेटालिक स्फीयर्स को एक वायर से कनेक्ट करके रखा है। तो ये कनेक्टेड हैं, वायर से कनेक्टेड हैं दोनों, तो डेफिनेटली दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा। सो हम पहले दोनों स्फीयर्स के लिए पोटेंशियल की इक्वेशन लिख लेते हैं। इस स्फीयर का नाम हम A लिख लेते हैं और इस स्फीयर का नाम हम B लिख लेते हैं। तो बात यह है कि हमने इनको चार्ज दिया है और चार्ज देने के बाद हमने सपोज किया कि Q1 चार्ज स्फीयर R1 को चला गया है और Q2 चार्ज जो है R2 वाले स्फीयर को चला गया, जिसका नाम हमने B रखा है। बट एज वी नो दैट कि इसे एक वायर से कनेक्ट करके रखा है, तो बेसिकली ये एक ही कंडक्टर आप इसे ज़ूम कर सकते हो, तो एक वायर से कनेक्टेड है। सो डेफिनेटली यहाँ पर सेम पोटेंशियल होगा, दोनों ही स्फीयर पे सेम पोटेंशियल होगा। तो जो पोटेंशियल है स्फीयर 1 का उसको हम राइट कर लेते हैं, दैट इज़ Q1 अपॉन, लेट अस सपोज हमने यहाँ पर कैपिटल Q1 लिखा है, सो इट इज़ Q1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट R1। जनरल जो पोटेंशियल का रिलेशन है हमने वो पहले स्फीयर के लिए लिखा कि अगर यहाँ पर चार्ज Q1 है सो द पोटेंशियल इज Q1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट R1, इसे मैं V1 नाम देता हूँ। एंड देन वी हैव द पोटेंशियल फॉर द सेकेंड स्फीयर इज Q2 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट R2। सो ये दो इक्वेशंस हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। बट एज वी नो दैट कि जो पोटेंशियल है ये एक कंडक्टर ही बन चुका है, तो पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा ओवर द सरफेस ऑफ दैट कंडक्टर्स। सो V1 इज इक्वल टू V2, तो हम इसे V ही कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि दोनों पोटेंशियल जो है आपस में सेम होंगे। तो अगर दोनों पोटेंशियल सेम है तो हम दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करने पर हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आता है Q1 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट R1 एंड इट इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट R2। सो एज वी नो दैट कि अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में, बिकॉज यहाँ पर जो चार्ज है वो सरफेस पे फैला है, तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में अपने एक्सप्रेशन को राइट कर सकते हैं। एज वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन एरिया। सो यहाँ से हम Q1 का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो Q1 इज जस्ट इक्वल टू σ1। लेट अस सपोज पहले स्फीयर पे जो A स्फीयर्स पे जो डेंसिटी है वो σ1 से हम डिनोट कर रहे हैं। सो Q1 इज इक्वल टू σ1 इंटू 4 pi R1 स्क्वायर, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 pi R स्क्वायर। सो Q1 का वैल्यू हमें मिल जाता है यूजिंग दैट एक्सप्रेशन ऑफ सिग्मा। सिमिलरली हम Q2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे एंड इट इज इक्वल टू σ2 4 pi R2 स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज हमें मिल जाती है और अपने एक्सप्रेशन को जो हमने लिखा हुआ है राइट साइड में, उसमें Q1 की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे σ1 4 pi R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 pi एप्सिलॉन नॉट R1। एंड सिमिलरली राइट साइड में आ रहा है हमारे पास σ2 4 pi R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 pi एप्सिलॉन नॉट R2। तो 4 pi से 4 pi एक कैंसिल है, ये भी कैंसिल है यहाँ पर, सिमिलरली यहाँ पर भी, और ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो जाएगा। सो ये सब चीज़ें स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से बच रहा है σ1 R1 इक्वल टू σ2 R2। वी कैन राइट इट एज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट वैल्यू।
सो यहाँ से हम एक बात समझ रहे हैं, सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू इज इक्वल टू आर टू बाय आर वन। सो जो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर हमें मिल रहा है वो कुछ इस तरह से मिल रहा है कि जो सिग्मा है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब सिग्मा और आर के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप हमें दिख रहा है। इट मीन्स दैट अगर हमारे पास जो आर है वो ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हमें सिग्मा कम मिलेगा, ओके। लेकिन जब हम बात करते हैं एक यूनिफॉर्म कंडक्टर की, तो यूनिफॉर्म कंडक्टर पे जो है चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ से एक रिलेशन मिला है, हम इसका यूज़ कहीं दूसरी जगह पे भी करेंगे और उसको समझेंगे कि क्या मतलब बन रहा है इस एक्सप्रेशन का। बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टर्स, जहाँ पर यूनिफॉर्म सरफेस हो, आर इज सेम थ्रू आउट, लाइक जैसे आप एक मेटेलिक स्फीयर के सरफेस की बात करें तो वहाँ पर चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई पॉइंटेड एंड वाला कंडक्टर हो, मान लीजिए कुछ इस तरह का आपके पास एक कंडक्टर का सरफेस हो, तो हम यहाँ से एक एक्सप्रेशन देख रहे हैं, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर, यानी कि इनवर्स रिलेशन है सिग्मा का और आर का, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस बात से हमें एक बात समझ आती है कि आर के साथ कुछ इनवर्स रिलेशन है। हम यहाँ पर आर को डिफाइन नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये कोई रेगुलर शेप नहीं है, ये कोई सर्कुलर नहीं है, कोई स्फेरिकल नहीं है, ये कंडक्टर एक इरेगुलर शेप में है। लेकिन फिर भी एक बात हम समझेंगे कि जो एरियाज आपको फ्लैट दिख रहे हैं, जो एरियाज आपको फ्लैट दिख रहे हैं उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो इन सरफेसिस पे, यहाँ पर जो सरफेस, ये सरफेस जो आपको ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर जो लिटिल फ्लैट दिख रहा है इन कंपेरिजन टू द अदर पॉइंटेड एंड्स, लाइक दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंटेड एंड, इसे हम एक तरह से पॉइंटेड एंड कह सकते हैं, ये भी एक पॉइंटेड एंड है, या आप इसे शार्प एंड कह सकते हो। तो ये जो फ्लैट दिख रहा है आपको, यहाँ का जो रेडियस होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो सरफेस का होगा वो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो लेस होगी। तो जो आपके पास यहाँ पर पॉइंटेड एंड्स होंगे उनका जो आर होगा वो लेस होगा। सो डेफिनेटली यहाँ पर पॉइंटेड एंड्स पे आपको सिग्मा का वैल्यू मोर मिलेगा। तो एक रिजल्ट जो इस एक्सप्रेशन से हमारे पास आ रहा है, जो एक्सप्रेशन हमारे पास है, इससे हमें एक रिजल्ट मिल रहा है कि अगर कंडक्टर्स में कुछ पॉइंटेड एंड्स हैं, ओके, तो वहाँ पर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी मोर मिलेगा। सो यहाँ से हमने एक रिजल्ट फाइंड आउट किया। सो पॉइंटेड एंड्स पे कंडक्टर के एट पॉइंटेड एंड्स वी हैव मोर सरफेस चार्ज डेंसिटी, वहाँ पर हमारे पास ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। एंड एक एक्सप्रेशन जो कि हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर के लिए, किसी भी कंडक्टर के लिए जिसके सरफेस पे चार्ज फैला हो, उसकी वजह से जो फील्ड बनती है, जैसे ये मैंने इरेगुलर शेप का एक पॉइंटेड कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर की वजह से जो फील्ड होगी वो ऐसे आउटवर्ड्स बाहर की तरफ को होगी, और जैसे ये पॉइंटेड एंड है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ को होगी। एंड किसी भी कंडक्टर जिसके सरफेस पे जो है चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उस कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंटेड एंड है यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो सिग्मा के इंक्रीज करने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज कर जाएगा। और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करता है और अगर इसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि ये यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर सकता है, आप जानते हैं, लेट अस सपोज कि ये कंडक्टर है, इसके सराउंडिंग का रीजन जो है एयर है मान लीजिए, और एयर एक बैड कंडक्टर है, एंड लेकिन अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा हुई, बिकॉज हमने देखा कि पॉइंटेड एंड्स पे हमारे पास सिग्मा इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा हुआ तो ये यहाँ पर करवा देगा डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब है कि यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, एक तरह से आपका जो मीडियम है सराउंडिंग वो आपके पास यहाँ पर आयोनाइज हो जाएगा। सो इस आयोनाइजेशन को और ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने पे यहाँ पर इस रीजन में हमें एक विजिबल ग्लो दिखेगा, एंड इसी विजिबल ग्लो को हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। सो दिस इज द
एक्सप्रेशन, और दिस इज द एक्सप्रेशन तो नहीं कहेंगे, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज क्या है कि अगर आपके किसी रीजन में, लेट अस सपोज हमने कंडक्टर की बात की, पॉइंटेड एंड्स के पास सिग्मा काफ़ी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी और वो सराउंडिंग के रीजन को आयोनाइज कर सकती है। आयोनाइज होने का मतलब क्या है कि वो जो आपका मीडियम था, जो इंसुलेटिंग मीडियम था, वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज उसकी लॉस हो रही हैं, वहाँ पर चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, और उसे ही कहा जाता है आयोनाइजेशन या आयोनाइजिंग। तो यहाँ पर आयोनाइज हो जाएगा एनवायरनमेंट यहाँ पर पूरी तरह से, और उसे हम डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने की वजह से और आयोनाइजेशन होने की वजह से आपको इस रीजन में एक विजिबल ग्लो दिखेगा, उसी ग्लो को हम कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। सो आई होप आपको ये जो डिस्कशन है वो पूरी तरह से समझ आया होगा। हमने शुरुआत की थी कोरोना डिस्चार्ज टॉपिक से, लेकिन उसको समझने के लिए पहले हमने दो मेटालिक स्फीयर्स को लिया, उनको हमने चार्ज दिया, उनको हमने कनेक्ट करके रखा है, तो ये पूरी तरह से एक ही कंडक्टर बन गया है। एंड वी नो दैट कि जो कंडक्टर के सर्फेसिज होते हैं वो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिज होते हैं। सो द कंडक्टर यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, तो इस सरफेस को जो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है पहले मेटालिक स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो है Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और दूसरे वाले का था Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। सो पोटेंशियल इज सेम, सो ड्यू टू दैट वी जस्ट इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2। फिर हमने सिग्मा की सेंस में, सिग्मा के टर्म्स में अपने एक्सप्रेशन को लिखा। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज बाय एरिया। सो वी पुट द वैल्यूज हियर, एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द रिक्वायर्ड वैल्यूज हमने कुछ चीज़ों को यहाँ से डिडक्ट किया है, काटा है, एंड आफ्टर दैट हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आर के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। सो इस बात को हमने कैसे समझा कि यहाँ पर एक कंडक्टर है, इसका कोई रेडियस तो नहीं है, लेकिन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर ऐसे सरफेसेस का देखा जाए तो जो फ्लैट सरफेसेस हैं उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा इट मीन्स दैट यहाँ पर डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लेस होगी, इट मीन्स पॉइंटेड एंड्स पे आपको सिग्मा ज़्यादा मिलेगा। तो सिग्मा के ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं एक मोर फील्ड, एक लार्ज फील्ड, क्योंकि सिग्मा जो है फील्ड जो है वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इफ सिग्मा इज मोर द फील्ड इज मोर, एंड इफ दिस फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन आयोनाइज और इट कैन हैव द इट कैन ये जो है एक ब्रेक डाउन कर सकता है सराउंडिंग रीजन में, एक इंसुलेटिंग मीडियम में, तो आपको उस ब्रेक डाउन होने पे एक ग्लो दिखेगा। यहाँ पर आपकी जो रीजन की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, एक विजिबल ग्लो दिखेगा, उसी ग्लो को जो है कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है। सो विद दैट आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट देयर। थैंक यू वेरी मच।